AMDR XB50BS in-ear headphones हैं। इन महंगे हेडफोन्स को सोनी ने इस अक्टूबर 2016 में पेश किया था। ये हेडफोन्स बेस की भारी खुराक देते हैं। मध्य और सॉफ्ट लेवल पर इसे काफी साफ ऑडियो मिलती है। इसका ओवरऑल साउंड काफी बढ़िया है और ये तेज आवाज और क्लैरिटी का मिक्स देती है। इस वजह से XB50BS का साउंड काफी मधुर है। ये एक्स्ट्रा बेस हेडफोन्स हैं, तो इसका फोकस धीमी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा रहता है। इसकी ऑडियो लय अच्छी है, जो साफ और अच्छा बेस प्रदर्शन भी देती है। इसका बेस प्रदर्शन इससे ज्यादा कीमत में आने वाले हेडफोन से भी ज्यादा अच्छा है, जिसे आप जरूर एंजॉय करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये एक एक्टिविटी ओरिएंटेड इन ईयर हेडफोन्स हैं, सोनी XB50BS के बेस का अच्छा प्रदर्शन यूजर्स की गति को बनाए रखता है। कम फ्रीक्वेंसी पर इसका प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। ये बेस काफी साफ और बढ़िया आवाज देता है, हालांकि मध्य फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छी नहीं है। कुछ ट्रैक्स को सुनते हुए आपको ऐसा महसूस होगा, मध्य फ्रीक्वेंसी पर आवाज साफ तो आती है, लेकिन साउंड सुनने में उतना सही नहीं लगता है। तेज आवाज में इसका साउंड काफी सॉफ्ट सुनाई देता है और काफी अच्छा है। इसकी आवाज कानों को चुभती नहीं है और यहाँ भी मधुरता बनी रहती है। बहुत ही तेज पिच पर उच्च फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अस्त व्यस्त सुनाई पड़ती है। शुरुआत में सोनी XB50 का वजन थोड़ा ज्यादा लगेगा। ईयरपीस पर पावर बटन, चार्जिंग पोर्ट और वॉल्यूम कंट्रोल्स मौजूद हैं और इनका आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। बैटरी लाइफ के मामले में ये 8.5 घंटे तक काम करता है। रोजाना के इस्तेमाल में ये 6 घंटे और 45 मिनट तक काम कर पाया, जो ठीक ठाक माना जा सकता है। ऑडियो के मामले में सोनी MDR XB50BS काफी अच्छा है। ये एक बजट डिवाइस नहीं है, लेकिन इसकी आवाज काफी साफ है और ये फिटनेस पसंद करने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगा। 4,905 रुपए की कीमत में सोनी MDR XB50BS एक बढ़िया हेडफोन्स है।